उमापति महादेव की जय। जय करे वीर बजरंगी हर हर महादेव बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। साचे दरबार की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। जाइए बच्ची ज्यादा हवा ना खाइए और
गया, वन में सरकार विराज चुके, हृदय आकाश में प्रभु वरदान के बादल गा चुके। अब चलिए अवध लौट चलिए, रियाय जिंदा हो जाएगी, वे अपने हाथों से ही अपने राजा को ताज पहनाएगी। मंत्री जी, ये सब ठीक, तो भी मैं मजबूर, पीछे फिरते हैं नहीं, सिंह यदि और शोर, आप कैसे? बुजुर्गों का ये विचार कि मैं माता कके का वजन था, माता कके की आज्ञा न पा, ये संभव है? हाँ, घर लौट जाइए, उनको समझाए, चौदह वर्ष शीघ्र ही कट जाएंगे, अच्छा यदि आप वापिस नहीं चलते तो मेरी एक बात माने, बेटी सीता को वन में हम रोते हुए नहीं देख सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर यूं सोता देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दे राजा को, यदि ये भी वन को चली गई तो मरा समझिए राजा को। सुनो बात है मंत्री, यहाँ नहीं है न्याय, यहाँ राजा के यहाँ वो लौट कर जाए, कहना माता का कैसे घी के दिए जलाए, वो हम कांटे भेसों निकल गए, अब भरत से राज चलवाए वो, और यह भी कहना क्षमा करना, जैसा भी है सेवा कर हम, जो कृपा उनने हम पर की है उनके एहसान मंद है हम। छोटे के बच्चों को इनकी तकती पे मत लिख लेना तुम, सुगर मैं तुमको वहां जाकर ये बातें मत कह देना तुम, कहना उनके आशीर्वाद हम कुशल पूर्वक घर वापस आएंगे, 14 वर्ष जब हो समापन तब दर्शन उनके पाएंगे। मैं आपकी आज्ञा भी नहीं टाल सकता, परंतु महाराज को कैसे शकल दिखाऊंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा, हाल पूछेंगे तो क्या बताऊंगा। आप अक्रमण है इनको दिल में डाल सकते हैं, दो बातों रंजिश इनसे निकाल सकते हैं, मैं धर्म से हटना घर पलटना नहीं चाहता, जब तक दम में दम रहेगा, धर्म की राह पर सामने कदम रहेगा, माफ कीजिए और स्वयं ही इंसाफ कीजिए, धर्म छोड़ना खिलाफ है या इंसाफ है, मैं धर्म से हट जाऊं तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, धर्म पर चलना मिला सकता या मां बाप के हुक्म की तामीर वाजी, आप शौक से जाए सबको समझाए बुझाए, बस अब जरा हट ना कीजिए और साथ चलने के लिए इतना कीजिए। बहुत अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। क्या सुमंत जी नहीं आए? महाराज, ना अभी तक मंत्री आए हैं और ना ही रामचंद्र। और दिखे
भी गई साथ
वो जान में दिल ना फंसाइए, बल्कि अपने आप को धन्य मानकर दिल बहलाइए। महाराज, यदि आप ही धीरज धारण नहीं करेंगे तो सूर्य वंश का सूर्य अस्त होने में संदेह नहीं। चलिए बेबी, आपका कहना ठीक है, परंतु मेरा दिल बहुत बेचैन है। इस वक्त मुझे श्रवण के अंधे माता पिता का श्राप नजर आ रहा है। देवी जब मनुष्य मौत के चंगुल में फंस जाता है तो उसको अपना आप और पुण्य किया हुआ नजर आता है। यही दशा इस वक्त मेरी है। जब मैं पूरी जवानी में था, जब एक दिन रात को शिकार खेलते सरयू नदी के तट पर पहुंचा, तो वहां मैंने एक खौफनाक आवाज सुनी। मैंने सोचा वो एक खूंखार जंगली जानवर जल पी रहा है। उसी वक्त मैंने उस आवाज पर शब्द भेदी बाण मारा। वो बाण श्रवण कुमार को लगा और गिरते ही ठंडा हो गया। जब मैंने उसकी मृत्यु का समाचार उसके अंधे माता पिता को सुनाया तो उन्होंने मुझ पर श्राप का प्रहार किया। बूढ़े ने कहा, जिस तरह बुढ़ापे में मरता है ये बूढ़ा पुत्र चिंतन में, क्यों ही वियोग में बेटे के तेरी हो मृत्यु बुढ़ापन में। कह कर सीख कर ले बेटे का नाम, वो अंधा भी देर छोड़ पहुंच गया स्वर्धाम। ये पश्चात बूढ़ी ने कहा, पति कश्यप करम अहीन पड़ा पृथ्वी पर, ये देख ओह उठती है मेरी। जब तू भी मरे तो ठीक समय अंत्येष्टि क्रिया ना हो तेरी। कोई बात वही बात सामने आ रही है। वो शर्वन सामने खड़ा है और अपनी मौत का बदला मुझसे मांग रहा है। Thank you.
पहला कोई मंजूर नहीं है। सुनो श्री राम जो की
Hey,
उतरे, रघु उतरे, सगर उतरे, कवर प्रहलाद पार उतरे, आपका लाभ लेने से अजामल जैसे पार उतरे, कुछ कितना ही नहीं इस पार से हजारों लाखों पार उतरे। मगर कर्मों की किश्ती पर जैसा होकर पार उतरे, यही किश्ती सलामत रहती है पानी के रेलों में, ना है किश्ती तो कम मिला पड़ता चमेलों में, हम मुंदरी में डालते कम है रख दो मत जान लहरों को, दिखला कर एक गरीब मुर्गी को भारत को दिखला दो को, दुनिया भर के धनवानों में सबसे धनवान कहावत हो फिर रहे सेवकों को मुंदरी फिर दिलावत हो। लक्ष्मण और सीता जी दोनों दो
बस उनके कहा भाई जल्दी कहो रुक क्यों गए शाह को दिल में लिए महाराज ने बहू कहो भाई क्या हुआ महाराज को महाराज ने प्राण त्याग Thank you.
श्री रामचंद्र जी को वन से वापस लाकर राज सिंहासन पर बिठाऊं और तुम्हारी मलिन आशाओं को मिट्टी में मिलाऊं। कुटल नीति से जो चाहे तुमने वह नहीं होगा, ये गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नशी होगा। वो सुकुमारी सीता माता क्यों कर घर में रहती होगी, कैसे पश्चात कड़ित रूप को सिर पर अपने सहती होगी, दिन को तपती रेत पर चल अत्यंत व्याकुल होती होगी, रातों को सूखे पत्तों पर या कांटों पर सहती होगी। विचार उसकी, तुम मेरी और मंत्रा का गुणगान करें, उल्टा मुझे निकालता है। बस माता जी मुझे कायम रखनी है तो दूर ही रहना। ब्राह्मण यह तमाम विश्व इसी दुष्ट का बोया हुआ है, शोक शकाए जो हमारे घर पर और सारे नगर में छाई है, इस पुराने खंड की वृक्ष की डालियां है। मेरे दिल में आता है किसी को काट दूं जड़ से कि सारा पाप कट जाए तो कट जाए सिर धर से। नहीं शत्रुघ्न नहीं, जब ये दुष्टा अपनी दुष्टा से न चुके तो हम अपने धर्म से क्यों चुके। आपको इस चंडाली पर दया आती है? हाँ, इसलिए कि ये नारी जाती है जो इस पर हाथ छोड़ेगी तो अपना धर्म तोड़ेगी, कि हमें सूर्य वंशी कुल की मर्यादा रखो। अगर स्त्री का मारना पाप होता तो सबसे पहले इसी का पाप होता। बस पहले इसे छोड़ दिया तो इसे छोड़ दिया। चल दूर हो जाएगा उसे मुक्कर। बेटा इतना समझाने पर भी तेरा शौक नहीं गया? हाँ हाँ, मेरा जीवन पर बड़ा निर्लज है जो इतने शोक पर भी प्रलोभ कर गया है। माता का रूप धारण किए हुए काल रात्रि क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धैर्य लिया था, क्या किसी ने पत्ता जी के खून से हाथ धो लिया था, क्या क्या विचार किया था और कई और दुराचार किया था? नहीं कुछ नहीं। तो फिर उन्हें मन में क्यों भेजा गया? हमारे धर्म में धर्म त्यागी को त्यागा जाता है, फिर उन्हें क्यों त्यागा गया? पिता की आज्ञा का पालन। बस ये झूठे कारण बताने से बेहतर है कि तू अग्नि में प्रवेश कर जा, गले में फांसी का फंदा लगाकर अपने प्राण छोड़ दे और घर तेरा बेटा है इस संबंध को तोड़ दे। मैं अपनी पढ़ी हुई तमाम विद्याएं भूल जाऊं, अधर्म से
भरत जी, ईश्वर की इच्छा पूर्ण हुई, अब रज को फिजूल है, हमारे पिताजी का पृथक शरीर अब तक बेकफन पड़ा हमारा दर कर रहा है। चलो उनकी मिट्टी ठिकाने लगाओ। Yeah.
हमारे भीलों को हथियार संभालने की आवश्यकता नहीं। भरत जी का जो लाल लश्कर आ रहा है, प्रेम की तरंगे हैं, लड़ाई की सूरत नहीं। भरत जी का लश्कर और भाई कैसी? महाराज, आपके भाई भरत सेना का साथ लिए यहाँ आ रहे हैं। मैंने समझा कि अधिक लोग उनके मन में न समाया हो। 14 वर्ष के लिए राजपाट आयु पर गद्दी पर विराजने का लाले श्री रामचंद्र के पीछे न लाया हो। आश्चर्य नहीं, ओए वरना सेना को साथ लाने का क्या संबंध था? उन्हें तो अपने भाई को वापिस ले जाने की धुन सुनाई है। यदि ऐसा न होता तो यहाँ आने भी ना पाते, अपने साथियों को बनवाते और उनके भूख से हमारे खेतों को पानी दिलवाते। Thank you.
किस मुंह से उठूं? परमात्मा ने मुझे एक शुक्री के पैर से पैदा किया होता, परंतु कतई की कोख से जन्म न दिया होता। इस समय दया या प्रेम का है कि आगे रख दीजिए।
कर रहे हैं। मैंने आपका बड़ा अपराध किया है और मैंने दोनों का अपराध किया है। लज्जा और पछतावे से मेरा चेहरा क्या धुआ जाता है। भरत की भक्ति और रामचंद्र जी की दुष्टों का देश लक्ष्मण पानी पानी हो रहा है। ठाकुर जी के मंदिर तक की होती है दौड़।
भाई तुम अक्लमंद हो, कैसी बातें करते हो। पिता की आज्ञा टालो, राज संभालो, ये असंभव है। मुझे धर्म से हटाए, ये किसकी मजाक है। मैं तुम्हें अयोध्या की राज शक्ति सौंपता हूं, राज करो और मुझे माफ करो। ओ स्वयं इंसाफ करो। यदि अब भी कोई संदेह है तो ये खिलावे ले जाओ। बड़ौदा कहना मानते हैं तो राज्य के लिए ये खिलावे ही काफी है। लोग और पर लोग का आपके माँ बाप तुम अपने सर पर धार करो। आप चरणों से दूर करते हैं, अयोध्या जाने पर मजबूर करते हैं। बहुत अच्छा है। आप कृपया करके अपने किराने ही दे दीजिए, इन्हीं से तब अयोध्या सजाऊंगा। बस अब मैं होगा वो नंदी ग्राम, मैं होगा वो आप का राम। मगर इस बात का ध्यान रहे, यदि 14 वर्षों से एक दिन भी अधिक लगाया तो भरत को कदापि जिंदा ना पाओगे। प्यारे भरत, हमारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इंतजार करता हूँ कि 14 वर्ष समाप्त होते ही हमारे पास आऊंगा और एक दिन भी अधिक लगाऊंगा।